आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं जो नवंबर 2020 आरटीपी में भी आया है। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास में कवर किया था और वही क्वेश्चन जो आपके आरटीपी में कवर्ड है वही मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट स्टूडेंट बट आगे आने वाले अटेम्प्ट में नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स। तो ये क्वेश्चन करें। आई होप आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट करवाता हूं, अपने क्लास में जो मैं कॉन्सेप्ट करवाता हूं वहां पर मैं आपको लेके चलता हूं एंड देन हम लोग इसके साथ यही वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन आसान लगता है। फाइन, तो चलिए हम कॉन्सेप्ट की ओर पहले चलेंगे एंड देन हम ये क्वेश्चन करेंगे। फाइन, कॉन्सेप्ट नंबर 65, बेसिस। कॉन्सेप्ट का नाम है बेसिस। अब बेसिस क्या होता है जरा समझते हैं। बेसिस मतलब होता है स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस, बेसिस या तो पॉजिटिव हो सकता है और या तो नेगेटिव हो सकता है। अगर बेसिस पॉजिटिव हुआ तो उसे कहते हैं बैकवर्डेशन, और अगर बेसिस नेगेटिव हुआ तो उसे कहते हैं कॉन्टैंगो। बैकवर्डेशन को इनवर्टेड भी बोला जाता है। इनवर्टेड आप लिख लीजिए, ठीक है, कॉन्टैंगो मार्केट, और इसे इनवर्टेड मार्केट भी बोला जाता है, ठीक है। और आप सबको पता है ऑन एक्सपायरी, जैसे जैसे एक्सपायरी हम करीब पहुंचेंगे बेसिस जीरो होने लगेगा, मतलब कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट प्राइस कन्वर्ज कर जाएंगे। इसे प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। अभी हम जब इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और आपके करियर के लिए भी। तो लिखेंगे बेसिस विल अप्रोच जीरो टुवर्ड्स द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, towards the expiry of the contract. That is on expiry. Cash and future price. ये सब मैंने आपको practically बताया हुआ है class में। Principle of convergence नाम का एक concept भी करवाया है। On expiry, cash and future price will become equal. This process is called convergence. This process of the basis approaching to zero is known as, ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे होंगे इस पे ऊपर, is known as convergence, is known as convergence, ठीक है। तो convergence word मतलब क्या है, basis बिकमिंग जीरो। बेसिस बिकमिंग जीरो मतलब क्या है कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है सर। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से इस बात को और बेटर तरीके से समझते हैं कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए आ जाए
तो हम किस तरह से उसे कैलकुलेट और प्रेजेंट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है, फाइन। और इसके बाद जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो एंड ऑफ दी क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिकल नॉलेज को भी समझेंगे, हम स्टॉक मार्केट से आपको ये एक्चुअल में कैलकुलेट करना सिखाएंगे, हम लाइव स्टॉक मार्केट आपके सामने रखेंगे और एक्चुअल में कैलकुलेट करना सीखेंगे कि बेसिस कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पढ़ाई में भी आप नंबर वन, प्रैक्टिकली भी आप नंबर वन। चलिए सर क्वेश्चन शुरू करते हैं, फाइन। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, आप देख लीजिए, आप चाहे तो इसका इमेज ले लीजिए या आप अकॉर्डिंगली आप इसे जिस तरह से भी करना चाहे आप करें। ये क्वेश्चन को अभी हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन में रीड करना शुरू कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं कि आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज और पूरे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए, तब हम जाके ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप एकदम से डेरिवेटिव चैप्टर इस क्वेश्चन के साथ शुरू बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक बिल्कुल एंड का सवाल है, जब आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं और आपको प्रैक्टिकली करना आता है कि निफ्टी के सौदे कैसे लिए जाते हैं, सेंसेक्स के सौदे कैसे लिए जाते हैं, आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, किस तरह से आप सौदे को काटते हो, ये सारी नॉलेज आपको मैं क्लास में देता हूं, उसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन उठा रहे हैं। मिस्टर एस जी सोल्ड 5/4 month निफ्टी फ्यूचर्स ऑन 1 February 2020 फॉर 9 lakh। At the time of closing of trading on the last Thursday of May 2020 expiry, index turned out to be 2100. The contract multiplier is 75. Based on the above information, calculate the price of one future contract on 1 February 2020. Approximate Nifty Sensex on 1 February 2020. If the price of future contract on same date was theoretically correct, on the same day, risk-free rate of interest and dividend yield on index was 9% and 6% per annum respectively. The maximum contango backwardation payoff of the transaction carry out calculation on month basis. तो सवाल आपके पास है, एक बार फिर से सवाल रीड कर लीजिए, हम सवाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सवाल। हमारे क्लास में हम 25 साल के 100% प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग हम कवर करते हैं। मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स हम कवर करते हैं। हर चीज का प्रैक्टिकल लिंकअप करके बताया जाता है। इस चीज का भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को करवा लूं उसके बाद। और क्या चाहिए? चलिए फाइन, तो आराम से एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करना होगा, क्योंकि ये एक बार फर्स्ट रीडिंग था जो कि हमने बहुत नॉर्मल तरीके से किया था। हमसे पूछा क्या है, पहले ये देखिए, द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 February 2020, ठीक है, फाइन। 1 February को हमने सौदा किया है 9 lakh का, 9 lakh का निफ्टी हमने सेल किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 36 है ये हमारे बुक का, अगर आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है तो आप डेफिनेटली इसका इमेज ले लीजिए और अपने हाथ से एक बार लिख लीजिएगा, या डेफिनेटली आपको ग्रुप में मैं ये क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसा भी हो, आपको अभी क्वेश्चन करना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो इमेज क्लिक कर सकते हैं, फाइन। क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ आवर बुक, आइए। तो सबसे पहला आपसे पॉइंट पूछा, और जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, कि प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना, प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको फ्यूचर प्राइस ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट इंटू फाइव, पांच कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 9 lakh,
बताइए आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं? पांच कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, तो पांच कॉन्ट्रैक्ट का 9 लाख, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का कितना है ना? बेसिक क्लास 9 और 10 का सवाल, ऐसे सवाल डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स अगर फेस करते हैं तो उनको यह एहसास होता है कि इतना आसान कोई चीज कैसे हो सकता है, ठीक है? इसलिए हमारे स्टूडेंट्स 100 out of 100 सिक्योर करते हैं। चलिए सर, तो एक कॉन्ट्रैक्ट, पांच कॉन्ट्रैक्ट का 9 लाख, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का कितना? तो देयरफॉर फ्यूचर प्राइस ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट ये कितना आ रहा है? 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, फटाफट करेंगे तो ये आपका आ गया 1,80,000, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट, नो प्रॉब्लम। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आ रहे हैं, सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है। डेरिवेटिव सबसे अच्छा चैप्टर इस वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई चैप्टर है तो वह है डेरिवेटिव फॉरेक्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और हमारे स्टूडेंट्स उसमें चैंपियन है, तभी हमारे स्टूडेंट्स को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में 50,000 का स्टाइपेंड मिलता है, लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं आर्टिकलशिप में हमारे स्टूडेंट्स। चलिए सेकेंड पार्ट में आते हैं इस क्वेश्चन के, सेकेंड पार्ट, अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स। ये सेंसेक्स यहां वर्ड नहीं आना चाहिए था, सेंसेक्स मुझे लगता है यहां पर ये वर्ड मिसकोट किया गया है, क्योंकि निफ्टी की बात चल रही है तो निफ्टी ही होना चाहिए था। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेट निफ्टी ऑन 1 फरवरी 2020 इफ द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेम डेट वॉज थ्योरिटिकली करेक्ट, ऑन द सेम डे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स वॉज 9% एंड 6% पर एनम रेस्पेक्टिवली। तो पूछा क्या है आपसे? पूछा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने फ्रेम सही नहीं किया, आपसे पूछा है सिंपल कैलकुलेट करेंट प्राइस ऑफ निफ्टी इन कैश मार्केट, आपसे यह चीज पूछा है, ठीक है। हालांकि लैंग्वेज और अच्छा हो सकता था इस क्वेश्चन का, बट एनीवेज यही चीज पूछा। आप देख सकते हैं कि आपको निफ्टी की वैल्यू निकालनी है 1 फरवरी 2020 की, अगर जो प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो थ्योरेटिकली करेक्ट है, मतलब व्हाट इज प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लिखेंगे नोट प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो प्राइस क्या है 1,80,000 में कितना लॉट साइज है 75, तो एक यूनिट का प्राइस कितना आया फटाफट देखें, 180 डिवाइडेड बाय 75 तो यह आया 2400, ये एक यूनिट का प्राइस आया है निफ्टी का, प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी, ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर का प्राइस दिया हुआ है। और हमें पता है एक इक्वेशन जो आपको क्लास में फर्स्ट लेक्चर में ही लिखवाया हुआ था, वो इक्वेशन क्या है जरा फिर से रिकॉल करते हैं, फेयर फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस इज इक्वल्स टू करेंट कैश प्राइस प्लस, क्योंकि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग की तो बात नहीं कर रहा है, करंट कैश प्राइस इनटू आर माइनस डिविडेंड यील्ड अपॉन में 100 इनटू कितने महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट है,
ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फटाफट देखिए कितने महीने का है, 4 मंथ का लिखा हुआ है। तो आप देखिए कितने महीने का है, 4 मंथ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर फ्यूचर प्राइस दिया हुआ है 2400, हमें क्या निकालना है, करंट कैश प्राइस निकालना है, कैश प्राइस निकालना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लस करंट कैश प्राइस। प्रैक्टिकली आपको सब बताया हुआ है कि आप प्रैक्टिकली इन सब चीजों को कैसे चेक कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है सर, इनटू अपॉन में 100 इनटू 4/12। तो फटाफट मुझे करंट कैश प्राइस बताइए कितना, फटाफट मुझे करंट कैश प्राइस बताइए कितना आएगा। ठीक है, 2400 करंट कैश प्राइस 1 + 3/100 × 4/12, तो ये आ गया 0.01। तो दिस इंप्लाइज करंट कैश प्राइस दिस इक्वल्स टू 2400 / 1.01, तो ये आपका आया 2376.24। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, करंट कैश प्राइस भी आ गया और फ्यूचर प्राइस भी आ गया, ठीक है सर। अब हम पॉइंट नंबर थर्ड में आते हैं, आराम से देख लीजिए, मैं कुछ सेकेंड्स रुक जाता हूं यहां पर। तो अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान है, और कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो हर क्वेश्चन आपके लिए महान है, हर क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, जबकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम पॉइंट नंबर थर्ड में आते हैं, आइए एक बार रीड करेंगे एक बार पॉइंट नंबर थर्ड को। द मैक्सिमम कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन, मतलब सिंपल सा फंडा है, आपसे क्या पूछा है आपको पता है। सबसे पहले तो देखिए फ्यूचर प्राइस ज्यादा है या कैश प्राइस ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिस, बेसिस इक्वल टू क्या होता है, स्पॉट प्राइस मतलब कैश मार्केट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। तो स्पॉट प्राइस हुआ 2376.24, फ्यूचर प्राइस हुआ 2400, तो ये आपका हुआ 23.76 नेगेटिव। तो डेफिनेटली सिंस बेसिस इज नेगेटिव, मार्केट इज सेड टू बी कॉन्टेंगो, एंड हियर कितना कॉन्टेंगो है, ये मैक्सिमम टेंगो विल बी 23.76, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल। चले आगे, आइए अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। कॉन्टेंगो मतलब ही नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहां पे नेगेटिव साइन आपको देने की जरूरत नहीं है,
कॉन्टेंगो मतलब ही ये नेगेटिव, इसका मतलब है इंप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आते हैं। द पे ऑफ ऑफ द ट्रांजेक्शन, पे ऑफ मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। पॉइंट नंबर फोर, पे ऑफ ऑफ द ट्रांजेक्शन, पे ऑफ मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। पे ऑफ मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। तो हमने क्या किया था, हमने सेल किया था, ये तो हमने हजारों बार आपको प्रॉफिट करके भी दिखाया है क्लास में प्रैक्टिकली। सेल को किससे काटेंगे, बाई से, तो आपने सेल किया था 2475 इंटू 5, तो आपने कितने का सेल किया था, 9 लाख का आपने सेल किया था। सेल को किससे काटोगे, बाई से काटेंगे। अब देखो काटने का रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरूर काटने का रेट दिया होगा क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं। काटने का रेट कहां दिया हुआ है जरा देखें, काटने का देख दिया हुआ है 2100। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग फोर्थ फिफ्थ लाइन में देखिए, क्लोजिंग रेट दिया हुआ है, काटने का रेट दिया हुआ है 2100। ठीक है, 2100 काटने का रेट दिया हुआ है। तो सेल को किससे काटेंगे, बाई से, 2100। तो ये कितना आया, 2100 इंटू 75 इंटू 5। बाई कम में कर रहे हैं, सेल ज्यादा में कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, आपको हमेशा प्रॉफिट हो स्टॉक मार्केट में। अभी यहां पर जो प्रॉफिट नजर आ रहा है डेट इज 112500, 112500। ठीक है, सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल सिंपल क्वेश्चन। इससे बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, 25 साल के पूरे क्वेश्चन कर डाला हमने, और आगे आने वाले हर अटेम्प्ट में हमारे कॉन्सेप्ट जरूर लगेंगे, क्वेश्चंस भी लगेंगे। बस आपको रिवीजन करना है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी करते रहना है। और जो साथ साथ सेल्फ स्टडी करता है, पढ़ाई के साथ साथ, कोचिंग के साथ साथ, वो डेफिनेटली उसे पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अब इन सब चीजों का प्रैक्टिकल देखते हैं। आइए अब हम इन सब चीजों का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिस का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इस चीज को हम प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिस होता क्या है। तो आप रफ पेज में प्रैक्टिकल आप इंप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट का मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूं, तो बेसिस का भी प्रैक्टिकल मैं आपको अभी करवा रहा हूं। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टॉक मार्केट का इमेज आपके सामने रख रहा हूं। दिस इज द इमेज ऑफ डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का शेयर प्राइस है एनएससी में कितना नजर आ रहा है आपको, देखिए डॉक्टर रेड्डी का शेयर प्राइस, डॉक्टर रेड्डी 100% प्रैक्टिकल अप्रोच है हमारे क्लास का, ताकि आप लर्न के साथ साथ अर्न भी कर सके। तो डॉक्टर रेड्डी का कैश मार्केट प्राइस है, कैश प्राइस है करंट आपका है 5333.35। ठीक है, अब हम इसका क्या देखने वाले हैं, तो अब हम इसका फ्यूचर प्राइस देखते हैं। आइए ये कैश प्राइस है, अब हम स्क्रॉल करते हैं आ गया फ्यूचर प्राइस, एफ एंड ओ आपके सामने है फ्यूचर प्राइस। फटाफट बताइए फ्यूचर प्राइस क्या है, यहां पे दिया हुआ आपके सामने आपको नजर आ रहा है फ्यूचर प्राइस 5320।
ये फ्यूचर प्राइस आपको दिया हुआ है, फ्यूचर प्राइस दिया हुआ है 5320। फटाफट मुझे बताइए ये कॉन्टैंगो है या बैकवर्डेशन है। एक शेयर प्राइस मैं और आपको दे रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल स्टडी। भारतीय एयरटेल, यही तो मजा है, यही तो मजा है। एसएफएम जैसा सब्जेक्ट, फाइनेंस जैसा सब्जेक्ट दुनिया में कोई बना ही नहीं है, ठीक है। ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को अगर कोई सब्जेक्ट और अच्छा लगता है तो देन आई रेस्पेक्ट दैट, फाइन। तो भारतीय एयरटेल कैश मार्केट का प्राइस यहां पर कितना दिया हुआ है, 494.55। भारतीय एयरटेल कैश प्राइस कितना दिया हुआ है करंट। ये सब देखना नहीं आया तो क्या आया, फिर क्या फायदा पढ़ाई करने का, सीए डिग्री लेने का फायदा क्या, सीएस सीएमए सीएफए। आपको आगे जाकर तो कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई तो करना होगा। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के नाम पे नहीं होता, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होता है, इस बात का ख्याल रखेंगे आप जिंदगी में। हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच से चलेंगे, आप कभी पीछे मुड़कर देखने की आपको जरूरत नहीं है। 494.55 ये है कैश मार्केट प्राइस, तभी हमारे स्टूडेंट्स 100 out of 100 सिक्योर करते हैं। आइए अब हम फ्यूचर प्राइस देख रहे हैं, ये है आपका 497। फ्यूचर प्राइस कितना है 497, मैं फिर से एक बार शो कर रहा हूं, आप देख सकते हैं 497.20 फ्यूचर प्राइस है। तो अब बताइए इस पे, बताइए पहले 5333.35 माइनस 5320, तो ये आपका आया 13.35। इसको कौन सा मार्केट बोलेंगे, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव बेसिस, इसे क्या बोलेंगे बेसिस। कौन सा मार्केट हो गया ये, बैकवर्डेशन, बैकवर्डेशन इन्वर्टेड। ऐसा पता क्यों बोला जाता है इसको बैकवर्डेशन, बिकॉज ये सही नहीं है। फ्यूचर प्राइस हमेशा ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर प्राइस ज्यादा होना चाहिए। आज का 100 रुपए एक साल बाद 110 बढ़ता है ना, पैसे की कीमत बढ़ती है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, लेकिन यहां पर ये नहीं ऐसा है, इसलिए इसे इन्वर्टेड मार्केट या बैकवर्डेशन मार्केट कहते हैं। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। और यहां पर बेसिस कितना आया, बेसिस 494.55, 497.2, तो ये आपका आया नेगेटिव 2.65। ये कॉन्टेंगो इसे बोलते हैं। आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा प्रैक्टिकल ये इंप्लीकेशन जो मैंने आपको दिखाया। इसी तरह से निफ्टी सेंसेक्स का भी दिखाया जा सकता है, चलो निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का देखते हैं चलिए निफ्टी का देखते हैं। और हम क्लास में सौदे करके भी आपको दिखा चुके हैं किस तरह से बाई सेल होता है, किस तरह से हम प्रॉफिट लॉस कमाते हैं, किस तरह से सौदा काटते हैं, किस तरह से सेटल करते हैं। चलिए निफ्टी का भी दिखा देते हैं आपको। निफ्टी आप देखेंगे एकदम ऊपर आपको नजर आ रहा है, यहां पर निफ्टी आप देखिए, निफ्टी दिया हुआ है 11,11,504.95, ठीक है। तो निफ्टी का कैश प्राइस करंट दिया हुआ है 11,504.95। अब हमें क्या निकालना है, फ्यूचर प्राइस निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो निफ्टी के ऊपर था, हमारा जो क्वेश्चन था वो निफ्टी के ऊपर था। बेस्ट एक्सप्लेनेशन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में
हमारा अप्रोच रहता है नो कॉम्प्लिकेटेड टर्म, नो कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच, सिंप्लिसिटी में हम बिलीव करते हैं. फाइन, 11504.95. अब हम इसका क्या करेंगे, फ्यूचर प्राइस देखेंगे. तो फ्यूचर प्राइस आपको कहां दिखेगा वो जरा हम यहां पर जाएंगे और यहां पे लिखेंगे निफ्टी. ठीक है, हमने नियरेस्ट एक्सपायरी लिया, अब हम फ्यूचर प्राइस देख रहे हैं निफ्टी का. दिस इज फ्यूचर प्राइस 11520.00. आप एक बार देख लीजिए. तो बेसिस आपका क्या हुआ, फटाफट आप निकालेंगे 11520, 11504.95, 15.05. देख सकते हैं आप 15.05. इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस यह है कि हमें पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि आगे आने वाले समय में लोग अनुमान लगा रहे हैं, लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी बढ़ेगा. आप देखिए निफ्टी कब ज्यादा रेट है फ्यूचर में, तो इन लोग अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा. ये एक तरह का एक इंडिकेशन होता है शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों कमाने का. फाइन, बाकी तो मैं बताता ही रहता हूं आपको क्लास में, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको सौदा. और क्या चाहिए, पढ़ाई में भी नंबर वन और कमाई में भी नंबर वन. ठीक है, फाइन एकदम. तो आई होप इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपको पसंद आया. आप खुद भी चेक करेंगे, खुद भी आपके पास मोबाइल है, आजकल हर चीज आपके पास है, खुद भी चेक करिए और इन सब चीजों के ऊपर आप प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए. फाइन, आई थिंक बेसिस के ऊपर मैंने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी आपको करवा दिया है और मैं चाहता हूं आपकी अप्रिसिएशन, ताकि मैं और आपको और प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल करवा सकूं, क्योंकि पढ़ाई में तो हमारे बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, अब कमाई में भी हमारे स्टूडेंट्स को बहुत आगे निकालना है. फाइन फाइन सर. तो इस तरह के वीडियोस में और अपलोड करता रहूंगा, आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आप पोस्ट हो तो आपको पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए. प्लस एक ग्रुप का लिंक होगा, प्लीज उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें, अलग अलग ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन, तुरंत आपको ग्रुप में ही वीडियो पोस्ट मिल जाए. आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने का पूरा हक है, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला जाए और एग्जाम में आप ये बिना क्वेश्चन देखे बैठे और एग्जाम में हूबहू जब क्वेश्चन ये आ जाता है तब यही बात याद आती है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत. तो कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है. याद रखिएगा, वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो. कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो. जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी. सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है. फाइन सर. दो मिनट है आपके पास, पता है दो मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर दो मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है. और जब सवाल 100% मार्क्स विथ टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो दो मिनट देना तो बिल्कुल बनता है. जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है. एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है. तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल एसएफएम. जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आए. जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विथ सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म. जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं. हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग
पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं, इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज ऑफ मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स विथ लाइव स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल नॉलेज विथ 0% डाउट एम। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूँ विद मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।